नरेंद्र मोदी जी का एक और बीजेपी का एक नारा था, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। अब मैं ये हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपके हाथ से रोजगार छीना, कोरोना में आपकी मदद नहीं की, आपके जो किसान माता पिता हैं उनके लिए 3 स्पेशल कानून बनाए, और आज मैं यहां ये पढ़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को हिंदुस्तान का क्या क्या बेचकर दे रहे हैं। और इसको पढ़ने से आपको पता लग जाएगा, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं होगी कि कौन सा एसेट किसको जा रहा है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये आपका भविष्य है, ये जो आपका भविष्य है इसको बेचा जा रहा है, इन 3-4 उद्योगपतियों को गिफ्ट दी जा रही है, रियलिटी है। हमारा, हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, हमारा प्राइवेटाइजेशन का लॉजिक था। लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं करा जाता था, इसमें से रेलवेज स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री हम मानते थे। स्ट्रेटेजिक क्योंकि यह हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों को ट्रांसपोर्ट देती है, स्ट्रेटेजिक क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक। दूसरी बात, जो इंडस्ट्रीज क्रॉनिकली लॉस मेकिंग होती थी उनको हम प्राइवेटाइज करते थे। जिन कंपनीज के पास मिनिमल मार्केट शेयर होता था उनको हम प्राइवेटाइज करते थे, और उस सेक्टर में हम प्राइवेटाइज करते थे जहां पे प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली की रिस्क हो। मतलब अगर सरकारी कंपनी मोनोपोली को रोक सके तो हम उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। अब यहां पे ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली बनाने के लिए करे जा रहे हैं।